हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो एक टेक वीडियो है जहां मैं कंप्लीट डिटेल्स बताने जा रहा हूं हैवेल्स कंपनी के वाटर कूलर का, जिसका मॉडल है शीलिया। इसकी सारी डिटेल्स जानने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं कम्प्लीट डिटेल्स बताने जा रहा हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो एक रिव्यू वीडियो नहीं है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स बताऊं इस प्रोडक्ट के बारे में। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। तो चलिए दोस्तों, मैं इस कूलर का आपको क्लोज लुक दिखाता हूं और बताता हूं इस कूलर की सारी फीचर्स। और फ्रेंड्स, ये है इस कूलर का टॉप लुक। यहाँ पर देख सकते हैं एक आइस चैम्बर दिया गया है, यहाँ से क्लियरली लिखा गया नो वाटर फिलिंग। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आइस डाल सकते हैं इस जगह से। मैं क्लोज लुक दिखाता हूँ, ये आइस चैम्बर है और जैसे ही आप यहाँ ओपन करते हैं आपको मिलता है यूज़र मैनुअल। और यहाँ पे हम एक स्टिकर देख सकते हैं जिस पे वार्निंग लिखा गया है। ये बता रहा है कि समरसिबल पंप को कैसे मेंटेन रखना है। बेसिकली जब भी आप कूल सेटिंग्स यूज़ करें, सो मिनिमम लेवल ऑफ वाटर जो रिक्वायर्ड है वो ज़रूर डालें, अदरवाइज आपका समरसिबल पंप ख़राब हो जाएगा और आप कूल सेटिंग यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि मिनिमम लेवल ऑफ वाटर आप हमेशा रखें कूल सेटिंग यूज़ करने से पहले। इस कूलर की MRP है 13,500 रुपीज़ और इसकी कैपेसिटी है 55 लीटर्स की। टॉप में आप देख सकते हैं आपको मिलता है 3 नॉब, तो देर आर 3 नॉब्स इन दिस वाटर कूलर। ये स्विंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं द फर्स्ट नॉब, एंड ये जो सेकेंड नॉब है वो स्पीड के लिए यूज़ होगा और जो थर्ड नॉब है वो कूल के लिए यूज़ होगा। फर्स्ट नॉब अभी ऑफ मोड में है, जब आप इसे ऑन करते हैं तो आपके इस कूलर का एयर थ्रो स्विंग मोड में स्टार्ट हो जाएगा। एंड 3 मोड्स दिए गए हैं आपको स्पीड में, हाई, मीडियम एंड लो। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इसके फ़ैन की स्पीड को आप घटा या बढ़ा सकते हैं। और ये है कूल, ये अभी ऑफ पे है। जब आप कूल पे आप इसे यूज़ करेंगे तो इस ये कूलर वाटर को यूज़ करेगा, तो मेक श्योर और समरसेबल पंप स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था जो स्टिकर लगी थी वार्निंग के बारे में, तो आप हमेशा इस कूलर में कूल सेटिंग यूज़ करने से पहले मिनिमम अमाउंट जो वाटर का रिक्वायर्ड है वो ज़रूर फिल कर लें, अदरवाइज आपका समरसेबल पंप ख़राब हो जाएगा। तो आइए मैं सारी साइड्स आपको दिखा देता हूँ इस एयर कूलर की। आप इसके एयर थ्रो को एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको ये एक्चुअली कम्प्लीटली रैप्ड है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसे अनरैप करूँ। और ये आपका जो साइड है, आप इसके थ्रू आप इसके फ़ैन के एयर थ्रो को एडजस्ट कर सकते हैं विद दिस। एंड एक और यहाँ पे दिया गया है, इस जगह से आप दोनों दोनों साइड से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं बॉटम में आपको दिया गया है वाटर इनलेट, और ये है इसका वाटर इनलेट। कुछ इस तरह से ये ओपन होगा और वाटर आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे वाटर इंडिकेटर भी दिया गया है, मीन एंड मैक्स यहाँ पे दिया गया है। और वाटर इंडिकेटर आप जब फिल कीजिएगा तो इस इंडिकेटर को फॉलो कीजिए, वो जैसे जैसे आप फिल कीजिएगा वैसे वैसे ये मैक्स की तरफ बढ़ेगा। और ये है इस कूलर का साइड, इसमें हनी कॉम्ब प्रोवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं हनी कॉम्ब मैट प्रोवाइड किया गया है इसमें, ये सारी जो मैट है वो जो हनीकॉम मैट है। ये इसका है साइड। और ये है इस कूलर का अदर साइड। और ये है इस कूलर का बैक साइड, और आप देख सकते हैं ये बैक साइड इस कूलर का। सो फ्रेंड्स, लुक वाइज ये अच्छा लग रहा है कूलर, और दिखने में ये रोबस्ट दिख रहा है, एक अच्छी डिज़ाइन का कूलर है ये हैवेल्स कंपनी की ओर से। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कूलर का पावर केबल, एंड यहाँ पे है वाटर इनलेट। सो आप पाइप कनेक्ट कर सकते हैं, इस पाइप कनेक्ट करके आप वाटर इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये वाटर इनलेट है, एंड यहाँ पे दिया गया है ओवरफ्लो, तो जब ज़्यादा फील हो जाएगी वाटर तो यहाँ से ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कुछ डिटेल्स है हैवेल्स कंपनी से रिलेटेड एंड इस कूलर से रिलेटेड। मॉडल आप देख सकते हैं ये सीलिया,
एंड 230 वोल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एयर कूलर, और ये 220 वाट्स का यूनिट कंज्यूम करती है, आप यहाँ देख सकते हैं 220 वाट्स। एंड ये इसका टोल फ्री नंबर है, इन केस अगर कुछ खराबी आ जाए इस कूलर में तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपना कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स बॉटम में आप यहाँ पे देख सकते हैं वाटर ड्रेनेज का पॉइंट दिया गया है जो कि अभी एक कैप से लॉक हुआ हुआ है। जब कूलर का सीजन ख़त्म हो जाए तो इसे रखने से पहले आप कंप्लीट वाटर को ड्रेन कर लें, अदरवाइज़ आपका कूलर स्टिंक करने लगेगा। सो मेक श्योर कि जब आप इसे पैक कर रहे हो अगले सीजन के लिए तो सारी वाटर ड्रेन कर लें इस पॉइंट के थ्रू। और यह है इस कूलर का ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन एंड वारंटी कार्ड। तो बेसिकली ये अप्लीकेबल है दो मॉडल्स के लिए, सीलिया एंड सीलिया आई एयर कूलर। तो मेक श्योर कि आप इस यूज़र मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लें, ये आपको हेल्प करेगी इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से ऑपरेट करने में और कैसे मेंटेन रखना है। कंप्लीट डिटेल्स दी गई है, ट्रबल शूटिंग वगैरह, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं तो ये आपको हेल्प करेगी। तो अच्छी तरह से आप इसे पढ़ लें, सारी डिटेल्स है। इन केस अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो, आई विल रिवर्ट बैक एज सून एज पॉसिबल। और इस प्रोडक्ट की वारंटी कार्ड है बैक साइड में, तो 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी मिलती है इस प्रोडक्ट पे। और जिस भी रिटेल आउटलेट से आप इसे परचेज करें आप इसे अच्छी तरह से फील करवा लें, ये आपको हेल्प करेगी इस वाटर कूलर की वारंटी को स्मूथली कवर करने में। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए प्रोडक्ट के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।